हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल. वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आंगन पब्लिक स्कूल. आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ. टुडे वी हैव मैथ्स लेक्चर्स. नाउ टेक आउट योर मैथ्स वर्कबुक्स. यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड इन चैप्टर नंबर 11, राइट? प्रॉब्लम सम्स. ओके, सो टेक आउट योर मैथ्स वर्कबुक्स. चैप्टर नंबर 11. पेज नंबर 47. बट वी हैव कंप्लीटेड यस्टरडे पेज नंबर 68 एंड 69 टिल द क्वेश्चन नंबर 3, राइट? सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 4. नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 4. इफ 684 चॉकलेट्स आर टू बी पैक्ड equally in 12 bags, then how many chocolates can be packed in each bag. यहाँ पे आपको गिवन है 684 chocolates 12 bags में पैक की गई, राइट? तो आपको बताना है कि each bag में, एक वन बैग में टोटल कितनी chocolates आप पैक कर सकते हो, राइट? सो लेट्स बी सॉल्व हियर. सो लेट्स बी सॉल्व हियर बेटा. मेंशन टुडेज डेट 13/1/2020. चैप्टर 11. टेबल्स एंड शेयर, राइट? क्वेश्चन नंबर 8, फोर आंसर. 12 बैग्स इज इक्वल टू 684 चॉकलेट्स. आपको 12 बैग्स में टोटल 684 चॉकलेट्स गिवन है बेटा. अब आपको फाइंड करनी है वन बैग इज इक्वल टू कितना, राइट? तो हम यहाँ लिखेंगे वन बैग्स इज इक्वल टू हाउ मच. सो व्हाट वी विल डू हियर, आपको करना है यहाँ पर 684 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय 12. ओके, सो राइट इट डाउन हियर. 684 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12. ओके, नाउ सी 684 वन जा 684 डिवाइडेड बाय 12. नाउ लेट्स बी डिवाइड हियर. ट्वेल्व को आपको डिवाइड करना है 684 नंबर को, राइट? नाउ सी 12 फाइव जर 60, राइट इट डाउन. फाइव ईयर 68 डाउन, 6 में से 6 सबट्रैक्ट किया देन 0, राइट इट डाउन. 4 ईयर 4 12 सेवन जा 84. नाउ 84 में से 84 सबट्रैक्ट करेंगे देन आवर आंसर इज 0. सो हाउ मैनी चॉकलेट्स विल वी विल पैक इन अ वन बैग? यस, 57 चॉकोलेट्स. सो राइट इट हियर, 57 चॉकोलेट्स आर पैक्ड इन ईच बैग. ओके, नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 5. मनोज गेव रुपीज 600 फॉर 10 डजन of sweet lemons, then what is the cost of one sweet lemon? यहाँ पर मनोज ने 600 रुपीज दिए 10 डजन के. ओके, उसने क्या लिया था? स्वीट लेमन्स. तो आपको फाइंड करना है कि वन लेमन की कॉस्ट क्या होगी, राइट? तो यहाँ पर हम करेंगे, देखिए बेटा, सी क्वेश्चन नंबर 5 आंसर टेन
डजन इज इक्वल टू रुपीस कितने गिवन थे 600 उसने दिए राइट। तो आपको वन डजन के पहले कॉस्ट फाइंड करनी है, तो वी विल राइट हियर वन डजन इक्वल टू हाउ मच, देन व्हाट वी विल डू, यस आप करेंगे 600 को 1 से मल्टीप्लाई एंड 10 आपका डिवीजन में जाएगा राइट। सो राइट इट डाउन हियर, 600 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10, 600 वन जा 600 एंड डिवाइडेड बाय 10, 0 0 कट, देन योर आंसर इज 60 रुपीज 60 राइट। तो आप यहाँ पर देखिए आपको वन डजन की कॉस्ट क्या मिली, देयर फोर वन डजन कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 60 ओके, वन डजन की कॉस्ट हमें मिली रुपीज 60 ओके। तो आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में एक नोट गिवन है कि वन डजन इक्वल टू 12 पीसीज, तो हमारी 12 पीसीज की कॉस्ट किस कितनी मिल गई आपको बेटा 60 रुपीज, क्योंकि हमने वन डजन की निकाली राइट। सो नेक्स्ट स्टेप राइट इट डाउन, वन डजन इज इक्वल टू 12 पीसीज देन 12 पीसीज प्राइस इज रुपीज 60 देन वन पीस इज इक्वल टू हाउ मच, वन पीस की क्या प्राइस होगी वो आपको फाइंड करना है। सो अगेन वन को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे एंड 12 आपका क्या जाएगा बेटा डिवीजन में ओके। सो राइट इट डाउन, 60 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12, 60 वन जा 60 12 यहाँ पर लिखेंगे राइट। नाउ लेट्स वी डिवाइड, 60 को हम डिवाइड करेंगे बाय 12 से, 12 फाइव जा 60 राइट इट डाउन, 60 0 एंड 6 में से 6 गया 0, योर आंसर इज 5। सो राइट इट डाउन रुपीज 5 यस। तो आपको वन पीसीज की प्राइस क्या मिली, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन स्वीट लेमन की प्राइस हमें मिली बेटा, वन स्वीट लेमन इज रुपीज 5 ओके। सो राइट इट डाउन, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर ओके। सो टुडेज अवर चैप्टर नंबर 11 इज कंप्लीटेड, नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क्स इन योर वर्कबुक ऑल्सो ओके विथ प्रॉपरली। नाउ टेक आउट योर मैथ्स मैजिक, दिस इज योर मैथ्स मैजिक टेक्स्ट बुक, टूडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 ओके। टेक आउट योर इंडेक्स, चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 133, ओपन योर पेज नंबर 133। Now see, chapter number 12, how heavy, how light. In this chapter we will learn the things which is heavy and light, okay? How much is it heavy and how much is it light, okay? आपको इसमें different things की weight दी गई होगी, ठीक है? वो कितना light है, कितना heavy है, okay? How can you balance all the weights okay, different things. So in this chapter we will learn all about the light and heavies of different kind of things. Now see, Heth and Manu were shifting house. हेत और मनु कुछ स्टूडेंट्स थे, वो क्या कर रहे हैं अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं राइट।
दे लोडेड ऑल देयर थिंग्स ऑन अ हॉर्स कार्ट. वो क्या कर रहे हैं, हॉर्स कार्ट पर सारी थिंग्स को लोड कर रहे हैं. दे थिंग्स देयर वर मैनी थिंग्स लाइक अ वॉटर टैंक, फाइव सेक ऑफ वीट, थ्री टेबल्स एंड अलमीराज, फोर चेयर, टू मैट्रेसिस, थ्री सेक्स ऑफ राइस, अ बम्बू लेडर, स्पोर्ट एंड पेंस. वो हॉर्स कार्ट में किन किन चीज़ों को ले जा रहे थे, एक वाटर टैंक था, फाइव सेक्स ऑफ वीट्स थे, थ्री टेबल्स थी, वन अलमीराज थी, फोर चेयर्स, टू मैट्रेसिस थी, मैट्रेसिस मीन्स चटाई थी, ओके, एंड थ्री सेक्स ऑफ राइस. हियर सेक्स मीन्स गनी बैग्स, ओके, बैग्स होते हैं. तो थ्री बैग्स किसके थे, राइस के थे, अब बम्बू लेडर्स और एक बम्बू लेडर्स थी, पोर्ट्स एंड पेन और ये थिंग्स भी, दिस ऑल थिंग्स दे कैरी इन हॉर्स कार्ट, ओके. सो व्हेन दे वर रेडी टू मूव, जब वहाँ से वो रेडी हुए जाने के लिए, द हॉर्स रिफ्यूज टू स्टार्ट, हॉर्स ने मना कर दिया जाने के लिए, ठीक है. दे वंडर्ड वाई, वो वंडर्ड हो गए, वो सोचने लगे कि क्यों हॉर्स मना कर रहा है, ओके. सो सी हियर, देयर फादर सेड दैट दिस हॉर्स वॉज नॉट वेल. उनके पापा ने कहा कि जो वो हॉर्स है वो अच्छा नहीं है, उसकी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है. एंड वुड नॉट पुल अ लोड हैवियर दैन 700 kg, और वो 700 kg से ज़्यादा वेट को लोड नहीं कर सकता है. ओहो, बट वाई, हाउ हैवी इज दिस लोड, तो आप फाइन बताइए वो कितना वेट होगा इन सभी चीज़ों का, राइट. दे आस्क, उन्होंने पूछा. सो नाउ पेज नंबर 133 वी विल फाइंड द वेट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ओके. पेज नंबर 134 सी हियर, फादर गेव देम सम आइडिया ऑफ द वेट ऑफ ईच थिंग्स. उनके पापा ने हर थिंग्स का वेट दिया था, राइट. नाउ सी, यहाँ पे आपको गिवन है ऑल थिंग्स का डिफरेंट वेट, ओके. सेक ऑफ वीट, वन सेक ऑफ वीट का प्राइस क्या था बेटा, 100 kg. वन सेक ऑफ वीट का प्राइस क्या है, 100 kg. ओके, नाउ सी हियर, वन सेक ऑफ वीट्स प्राइस इज 100 kg, ठीक है. देन वन सेक ऑफ राइस प्राइस इज 35 kg, वाटर टैंक 50 kg, अलमीराज, एक अलमीराज का प्राइस दिया है 70 kg वेट, वन टेबल का वेट है 10 kg, वन चेयर का वेट है 5 kg, वन मैट्रेस का है 20 kg, एंड बम्बूज लेडर्स 10 kg, पोर्ट्स एंड पैन 10 kg. ये वन वन आइटम का प्राइस दिया है, ओके. और हमारे पास जितनी भी आइटम्स वो कैरी करके ले जा रहा है ना, हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. लाइक सेक ऑफ वीट्स कितने थे टोटल, 4, 5, राइट. टोटल वेट कितने, सेक ऑफ वीट्स कितने थे, 5. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 100 × 5, ओके. नाउ सी हियर, आपको एक टेबल रेडी करनी है. यू हैव टू ड्रो द टेबल्स. फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे थिंग्स लोडेड, सेकेंड वेट, नंबर ऑफ आइटम्स, देन लास्ट कॉलम इज देयर टोटल वेट, ओके. आपका लास्ट कॉलम होगा देयर टोटल वेट,
ओके यहाँ पर आप इच आइटम्स को लिख दीजिए, फर्स्ट सेको फीड, सेको फ्राइज, वाटर टैंक, ओके, अलमीराज, टेबल, चेयर, मैट्रेसिस, बम्बू लेडर्स, स्पोर्ट एंड पेंस। नाउ देखिए यहाँ पर सेक ऑफ वीट्स, एक वीट्स का सेक था, उसकी उसका वेट था 100 kg, राइट, एंड आइटम्स टोटल कितनी थी 5, सो वी विल मल्टीप्लाई 5 बाय 100, सो 100 फाइव जा 500, सो राइट इट हियर 500 kg। नेक्स्ट देखिए सेक ऑफ राइस, 35 kg वेट था, टोटल नंबर ऑफ आइटम 3 थे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 35, ओके, सो 5 थ्री ज़ा 15 का 5, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 थ्री ज़ा 9, 9 प्लस 1 10, तो 105 kg। नाउ नेक्स्ट आइटम इज़ अ वाटर टैंक, वाटर टैंक कितना था ओनली 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 50 kg। नेक्स्ट आइटम इज अलमीराज, 70 kg, वो भी कितना गिवन था आपको बेटा 1 आइटम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 70 इज इक्वल टू 70 kg। नेक्स्ट देखिए अ टेबल, 10 kg, टोटल कितने टेबल गिवन थे, हाउ मेनी टेबल्स, 3 टेबल्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 30 kg। अ चेयर, 5 kg था एक चेयर का, राइट, तो टोटल 4 चेयर थी, तो व्हाट वी विल डू हियर, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 इज़ 20 kg। नेक्स्ट देखिए अ मैट्रेसिस, टोटल कितने मैट्रेसिस थे, यस 2, तो 20 kg 1 मैट्रेसिस का है, देन 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है 20 से, सो 22 जा 40 kg। नेक्स्ट देखिए बम्बू लेडर्स, 1 का कितना है 10 kg, और टोटल आइटम कितनी गिवन थी 1 kg, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10 kg। पोट्स एंड पैंस, 10 kg, ओके, 1 आइटम सी ओनली, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10 kg। सो लेट्स बी फाइंड द टोटल वेट ऑफ दिस ऑल थिंग्स, ओके, नाउ सी हियर, 0 प्लस 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, इट मीन्स अवर आंसर, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 5, राइट। नेक्स्ट देखिए 0, 0, 0, 7, 7 प्लस 3, 10, 10 प्लस 2, 12, 12 प्लस 4, 16, सॉरी वेट, सी हियर, 5 प्लस 7, 12, राइट, 12 प्लस 3, 15, 15 प्लस 2, 17, 17 प्लस 4, 21, 21 प्लस 1, 22, 20 प्लस 1, 23, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 3, एंड देन 2 आपको कैरी फॉरवर्ड कर देनी, राइट इट हियर 2, ओके, सो चेक कीजिए, 5 प्लस 2, 7, एंड देन 1, 5 प्लस 2, 7, 7 प्लस 1, 8, सो राइट इट डाउन हियर 8, ओके, सो टोटल वेट इज 835 kg। नाउ देखिए यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, फाइंड आउट द टोटल वेट दे हैड लोडेड ऑन द कार, तो टोटल वेट आपको कितना मिला बेटा, योर आंसर इज 835 kg। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखिए, नाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द कार्ट, अब वो कार्ट में से कुछ थिंग्स को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, नाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द कार्ट, अब उनको कुछ चीज रिमूव करनी है, ठीक है, देखिए फर्स्ट हम देखते हैं टोटल वेट वो कितना लोड कर सकता था, ओनली 700 kg, ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यू हैव टू डू वन थिंग, आपको एक चीज़ करनी है, यहाँ पर टोटल वेट है आपका 835 kg, राइट, सो 835 माइनस 700 kg, यहाँ पर हम करेंगे लास्ट साइड में, 835 माइनस 700 kg, 5 का 5, 3, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1,
इट मीन्स योर आंसर इज 135 kg. ओके, सो राइट इट हियर 135 kg. तो टोटल वेट आपका 835 है और जो हॉर्स कार्ट है ओनली कितना वेट लोड कर सकता है, 700 kg. दैट्स वाई वी हैव माइनस 835 बाय 700. ओके, तो टोटल उसका वेट कितना ज़्यादा हुआ, 135 kg. नेक्स्ट देखिए, आपको कुछ चीज़ रिमूव करनी है तो आप कितनी चीज़ रिमूव करोगे, 135 kg और ग्रेटर वेट रिमूव. हम 135 kg इसमें से रिमूव कर देंगे, राइट. तो देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच थिंग शुड बी रिमूव्ड सो दैट द वेट ऑफ द लोड इज नॉट मोर देन 700 kg. आप कौन कौन सी चीज़ रिमूव करोगे देन जो आपका वेट है वो 700 kg से ज़्यादा नहीं होगा. सो चेक इट हियर. टोटल वेट हमने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड कर लिया. ओके, सी हमें कितना रिमूव करना है, 135 kg रिमूव करना है. ओके, सो देखिए यहाँ पर हम लेंगे जो सेक ऑफ फ्राइज है ना, 3 आइटम्स का कितना है टोटल वेट, 105. क्या लेंगे हम, सेक ऑफ फ्राइज, 3 सेक ऑफ फ्राइज इज इक्वल टू 105 kg. वी हैव डन हियर, राइट. एंड नेक्स्ट हम लेंगे एक वाटर टैंक. ओके, तो वाटर टैंक इज अ 50 kg. सो 105 kg प्लस 50 kg, तो हम दोनों का प्लस करेंगे. लेट्स वी एड इट, 5, 0 + 5, 5 and 1. तो टोटल 155 kg. ओके, इतना वेट हमने रिमूव कर दिया. देन हॉर्स कार्ट नाउ रेडी फॉर कैरी द लोड. ओके, देखिए यहाँ पर 835 में से आप 155 को क्या करोगे, माइनस. सो चेक इट हियर, 835 माइनस 155, 5 - 5 = 0. 3 में से 5 नहीं जाएगा, देन बोरो करेंगे हम 13. यहाँ पर आपका आ जाएगा 7. 13 - 5 = 8. 7 - 1 = 6. 680 kg. योर आंसर इज 680 kg. तो हमने विच थिंग्स शुड बी रिमूव टू रिमूव सो दैट द वेट ऑफ द लोड इज नॉट मोर देन 700 kg. तो हमने कौन कौन सी चीज़ों को रिमूव किया, राइट द आंसर, सेक ऑफ राइस एंड वाटर टैंक. ओके, सो टुडे वी विल कंप्लीट अवर लेक्चर हियर. टिल दैट, बाय, टेक केयर एंड सी. Your homework is page number 68. You have to solve these problem sums in your notebook. Okay? This is your today's homework. ये आपका आज का homework है. Right? Till that, bye bye. Have a nice day.